बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। पैसे लेकर डिग्री बांटने से नहीं बढ़ेगा प्रदेश। जिस तरह की स्थिति है उसमें इस तरह के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं जैसे बिहार में बीएड की दुकानें ही खुल गई हों। उक्त बातें गुरु शिक्षा सम्मान में बोलते हुए पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गुलाब चंद्र राय ने शिक्षा विभाग की अनियमितताओं का एक बड़ा पोल खोल दिया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि बिहार में जिस तरह की कुव्यवस्था और शिक्षा को लेकर के स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं वो भयावह है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर गुलाब चंद्र राय का गुस्सा और दर्द सीधे नजर आया। गुरु शिक्षा सम्मान समारोह में उनके सामने पाटलिपुत्रा कन्वेंशन हॉल में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा भी बैठे हुए थे। उन्होंने सीधे तौर पे स्पष्ट कहा कि इस तरह से डिग्री बांटने की दुकानें खुल जाना बिहार को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि 714 फर्जी डिग्री का खुलासा करने के बाद उन पर दबाव बनाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया कि नालंदा में मैंने देखा है कि करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है पर एक भी ब्लैक बोर्ड शिक्षा के स्थान पर या फिर क्लास में नहीं है। इन सब के बाद उन्होंने सीधे तौर पर हमला करते हुए कहा कि पैसा लेकर डिग्री देने से बिहार का सम्मान घटता है या बढ़ता है, इस बात का फैसला सरकार को करना है और शिक्षा मंत्री जी को करना है। बीएड कॉलेजों पर रोक नहीं लगी तो बिहार का विकास नहीं होगा। जांच होनी चाहिए कि कॉलेज कितने हैं और किसके हैं। पिछले दिनों तो कुछ स्टूडेंट कट्टा लेकर सड़क पर खड़े हो गए, मैं किसी को नहीं पहचानता था और मुझ पर हमला भी करने लगे। अगर बिहार को आगे ले जाना है तो लिफाफा संस्कृति को बंद करना होगा। अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर कहा कि मैं सरकार से कहता हूं कि वह सीबीआई जांच करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं किसी भी तरह की अनियमितता जान दे दूंगा पर होने नहीं दूंगा। उन्होंने एक प्रसंग का हवाला देते हुए कहा कि जब एक लड़की ने इंटरव्यू के दौरान रो रो कर यह बताया कि मैं उस प्रोफेसर को जेल भिजवाऊं जो मेरे खिलाफ दुराचार करने वालों को लगा रहे हैं। अब आप सीधी तौर पर समझ सकते हैं कि बिहार में स्थिति कितनी भयावह है। इस पूरे वृतांत को साझा करते हुए शिक्षा के लिए आंदोलन करने वाले आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दुख जाहिर किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर कहा है कि 15 वर्षों तक शासन करने वाले नीतीश कुमार आखिर कब तक सुधरेंगे, कब तक बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे बर्बाद होते रहेंगे। पिछले 3 वर्ष से मैं लगातार शिक्षा सुधार के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, लाठियाँ खाई, आमरण अनशन तक किया, लेकिन आखिर कोई कब तक सब्र रख सकता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उसी गुरु शिक्षा सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा भी मौजूद थे, जिनके जो बयान आए हैं उसे आप सुनेंगे तो आप इस बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि बिहार में वास्तव में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लचर और ख़राब है। शिक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि पहले बहुत खराब स्थिति थी, सब्र करिए, बाकी गड़बड़ियाँ भी मैं जल्दी ही ठीक कर दूंगा। अब आप बता सकते हैं कि 15 साल से बिहार में शासन किसका है? उसी नीतीश कुमार का है, जिस नीतीश कुमार पर लगातार शिक्षा को नज़रअंदाज करने का आरोप लग रहा है। अब जबकि खुद शिक्षा मंत्री ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि गड़बड़ियाँ हैं और बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हैं। आपने भी देखा होगा कि कैसे निचले स्तर से ही गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। मैट्रिक के परीक्षा में जिस तरह से परिणाम आंख मूंद कर और रूबी राय जैसे लोगों को दी जाती हैं तो आप बता सकते हैं। हालांकि कृष्णनंदन वर्मा ने पिछले शिक्षा मंत्री पर भी कहीं ना कहीं उंगली जरूर खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उपेंद्र कुशवाहा के इस पूरे
प्रकरण पर दिए गए बयान और ट्विटर के माध्यम से सरकार पर हमले का जवाब क्या फिर एक बार कृष्णनंदन वर्मा और पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी एक जगह आते हैं, जबकि कृष्णनंदन वर्मा ने पिछले शिक्षा मंत्री पर भी उंगली उठाने से परहेज नहीं किया है। उनका सीधा तौर पर कहना है कि जो गड़बड़ियां रही हैं विगत दिनों में उसे हम ठीक कर लेंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इस बात की तस्दीक की जा रही है कि शिक्षा विभाग में गड़बड़ियां जरूर हैं। आपके बच्चे भी सरकारी विद्यालय में अगर जाते हैं तो आप खुद ही बता सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।